इंडिया में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य जज हैं, हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और अदर अन्य जज होते हैं, राष्ट्रपति डिसाइड करता है टाइम टू टाइम हाई कोर्ट के वर्कलोड के ऊपर। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज होते हैं वो चार कैटेगरी के माने जाएंगे। सबसे पहले होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन, और सिविल जज जूनियर डिवीजन के ऊपर होता है सिविल जज सीनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन के ऊपर है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इनके ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखो है क्या, सिविल जज जूनियर डिवीजन में बनने के लिए आपको लोअर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, 25 साल से 35 साल का कोई भी व्यक्ति एग्जाम में बैठ सकता है, और लॉ की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, LLB LLM उसने कर रखा हो, 25 से 35 साल की उम्र हो, लोअर जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में फाइट कर सकता है। अब वो सिविल जज जूनियर डिवीजन बनेगा, इसका प्रमोशन सिविल जज सीनियर डिवीजन में होगा, और सिविल जज सीनियर डिवीजन का प्रमोशन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में भी होगा, ठीक है। लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के दो तरीके हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आप या तो सिविल जज सीनियर डिवीजन से प्रमोट होकर बन सकते हैं, या हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करके आ सके। हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 35 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और कम से कम 7 साल एडवोकेट रहे हो तो हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने के दो रास्ते हैं, या तो हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम पास करके बनो आप, या आप सिविल जज जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज बन जाओ।